Welcome students in the physics class. Today I will talk about the points which we have discussed in the classes, last classes. So what we have learned till date, हमने आज तक क्या क्या देखे सीख लिया है उसको देखिए रिव्यू करते हैं हम. सबसे पहले हमने ये जाना कि जो चार्ज है और चार्ज में भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए. फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्शन के लिए, ये सबसे पहली बात हमने सीखी थी यहाँ पर. अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है. चार्ज अगर हम बात करें ऑन इलेक्ट्रॉन तो ये हमें मालूम था कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है. उसके बाद में अगर हमने ये सीखा कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज क्यू है, मान लीजिए ये कंडक्टर, इस पे चार्ज क्यू है, या कहीं वायर्स में चार्ज फ्लो कर रहा है वो चार्ज क्यू है, तो उसको फाइंड करना है. तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास में आया क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई. ये हमने फार्मूला सीखा था. क्यू यहाँ पर चार्ज था, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और एन यहाँ पर क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए थे, कितने गेन हो गए थे, वो ये एन हमको पता लगता था, जिससे जिसके बेसिस पे प्लस माइनस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आता था. और यूनिट क्या थी हमारी, यूनिट ऑफ चार्ज आपने सीखी वो थी कूलम. ये आपने सीखी थी चार्ज की. तो ये एक बात हो गई चार्ज के बारे में. अगली बात हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया था, इसका सिंबल था आई, और इसको हम कहते थे या कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन. क्योंकि हम यहाँ पे जो भी डिस्कशन कर रहे हैं मेटेलिक वायर्स के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं. चार्ज की बात भी करेंगे जब कभी, और कुछ मीडियम को डिस्कशन करेंगे, तो चार्ज के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. और इसको आई से जब डिलोट कर रहे थे तो ये आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ये हो गया हमारा फार्मूला करंट के लिए. अब इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या मिली थी, ये थी एम्पियर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाते हैं. पॉइंट नंबर वन था, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है. तीसरी चीज आपने पढ़ी थी उसके बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल था वी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या कहा था कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक, यहां पर हमने पोटेंशियल बोला था इसको, इसको बोल दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में या ब्रिंग करने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या फॉर्मूला है इसका,
तो ये हमारा फार्मूला था V इज इक्वल टू W बाई क्यू, ये फार्मूला था। और यूनिट क्या थी हमारी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाज वोल्ट, इसको हम वोल्ट कह रहे थे। अब इसी फार्मूले से हम लोग वर्क डन भी निकाल लेते हैं, अगर कभी हमको ये पता करना होता है कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है V पोटेंशियल डिफरेंस में, तो कितना वर्क वहां पे करना पड़ेगा। तो ये इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्या बताता है, वर्क डन Q चार्ज अगर हम लेके जा रहे हैं V पोटेंशियल डिफरेंस में। तो यहां तक तीन बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ये जो V आपका है, ये वी हम आगे चलकर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी किस तरह से अपीयर होता है। इसके बाद में आपने देखा था कि ओम्स लॉ में हमने बात करी थी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या बन गया था, वी इज इक्वल टू आई आर, और R यहां से हो गया था V अपॉन I। यहां पर R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ R इज ओम, इसको ओम से डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमने बात करी थी आपसे कि फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टेंस डिपेंड, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रजिस्टेंस। तो पहली बात थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है, दूसरी बात थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं वायर को एक सिलेंड्रिकल शेप में कंसीडर करूं, वायर हमारे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ये होता है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये होती है इसकी लेंथ। तो लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वायर का एरिया मतलब वायर को अगर मोटा करेंगे या इसका रेडियस इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम उसकी थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस हम लोग कंसीडर करते हैं उसके लिए रेडियस के टर्म्स में या डायमीटर के टर्म्स में। तो ये जो आर ए का जो फॉर्मूला है इसको आप 1/πr² भी कह सकते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर जहां पे इसका रेडियस हो जाता है वायर का, तो रेडियस क्या कहते हैं, अगर रेडियस बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और रेडियस अगर कहते हैं यहां पर हम बढ़ाएंगे कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो थिक वायर है उनका रेडियंस कम होता है एज कंपेयर टू द थिन वायर, याद रखिए इस बात को। तो एक पॉइंट तो ये था हमारा जिस पे डिपेंडेंसी थी, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा था कि आर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर, और मटेरियल मतलब कि वो कॉपर का है, एल्युमिनियम है, कि एलॉय है, किस पे, इस पे डिपेंडेंसी थी। एंड आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। अब हमने ये जब बेसिक चीजें जान ली, अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने जब शुरू किया है बात, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में याद रखिए यहां पर जो ये सिंबल है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। मैं एक बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने जा रहा हूं जो यहां पे ये करंट को शो करता है। यहां पर की लगा लेते हैं हम लोग, ये बैटरी को शो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहां पर एक वोल्टमीटर लगा लेते हैं
जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। अब आइए, हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने क्यू के बारे में पढ़ा, हमने आई के बारे में पढ़ा, हमने वी के बारे में पढ़ा, हमने आर के बारे में पढ़ा। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो यहाँ पर कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं या किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पर। इस सर्किट में सब कुछ है। सबसे पहली बात हमने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उनका डायरेक्शन ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस से चलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्किट में फ्लो करते हैं, माइनस जो एंड है बैटरी का यहाँ से चलते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन है वो ये शो की जाती है, करंट की डायरेक्शन ये होती है इसके रिवर्स। तो यहां पर अगर हम देखें जो करंट फ्लो कर रही है वो कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज। जो आई फ्लोस यहां पर जो है वो कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। और इलेक्ट्रॉन यहां कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट भी है, जिसको मैंने कहा यहां करंट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट हमारी इधर जा रही है, अपोजिट जा रही है। तो ये दोनों चीजें देखिए यहां पर अवेलेबल है यहां पर। उसके बाद में हमने कहा कि यहां पर वी, हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि वोल्ट मीटर यहां पर मेजर करता है। आई को कौन मेजर कर रहा है यहां पर, करंट मेजर कर रही है। वी को कौन मेजर कर रहा है यहां पर, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है यहां पर। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम यहां कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑन रेजिस्टेंस कितना है, ये वी। एक्चुअली वी सिंबल यहां पर वोल्ट मीटर के लिए भी यूज हो रहा है, वी यहां पर सिंबल, वी कई जगह देखिए एक साथ यूज हो जाता है, वी सिंबल वोल्ट मीटर के लिए भी यूज होता है, वी सिंबल यहां पर यूज हो रहा है इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यहां पर, ठीक है। और यूनिट भी हम लोग जब यूज लिखते हैं वी, तो वी तीन जगह आपको एक साथ मिल जाता है, तो उसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिंपल यहां पर अगर सर्कल मैंने बना दिया तो ये वोल्ट मीटर का सिंपल हो गया। यहां पर ये जो वी इसका बता रहा है इस बैटरी के लिए कहते हैं इसका कितना पोटेंशियल है। तो ये जो वी देखिए हमने जो पढ़ा था, तो वी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था डब्ल्यू बाई क्यू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करने हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए इस बैटरी को वर्क करना पड़ता है, इस बैटरी को वर्क करना पड़ता है। ये जो हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये क्या है, मेरा कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नॉमिनल होता है, ऑलमोस्ट निल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो इन वायर्स में भी कुछ एनर्जी खर्चा होती है जब करंट फ्लो करती है, लेकिन वो नॉमिनल है। मेन एनर्जी खर्चा होती है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हमने आपको बताया था अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पे इसको फ्लो को चार्ज को अपोज करता है। हमारे केस में यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन को। तो ये जब अपोज करता है तो ये बैटरी का काम होता है कि यहां पर वर्क करके इस चार्जेस को यहां से क्रॉस कराए। इस क्रॉस कराने में इस बैटरी को वर्क करना पड़ता है। ये वर्क कितना करना पड़ता है, ये देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी यहां पर। तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल हम देखते हैं यहां पर, ये जो दो एंड है इसको मैं कह दूं एक्स और वाई, वही पोटेंशियल यहां अप्लाई होता है, या इसको आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर यहां पर अप्लाई होता है। जैसे वाटर फ्लो में हम बात करते थे कि वहां पर भी प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आसानी से वाटर चला जाता है, तो ये प्रेशर लगता है और ये इसको क्रॉस करा देता है। लेकिन क्रॉस कराने में वर्क होती है, वर्क करने में एनर्जी खर्चा होती है, इसीलिए कुछ दिनों में बैटरी हमारी
वीक हो जाती है। तो ये यहाँ पर देखिए क्यू भी आ गया, आई भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पोटेंशियल हमको मिल गया वी। और आर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर है तो करंट सर्किट में हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था आई इक्वल टू वी बाई आर। तो ये हो गया करंट सर्किट में कितनी फ्लो करेगी। अब आपने आर के डिपेंडेंसी पढ़ी थी कि लेंथ पे डिपेंड करता है। अब इस ये मैंने सिंबल जो ये किंग्स बनाए हैं, इस रेजिस्टेंस को मैं अगर एक इस तरह से शो कर दूं, अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये शो कर दिया, सब कुछ वही है, केवल मैंने शेप चेंज कर दी है आपको समझाने के लिए, सारा सर्किट वही है, ठीक है, करंट फ्लो कर रही है इससे इसके अंदर। अब अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ देखिए, यहां पे मैंने कुछ दे रखी है और हमने कहा था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल। अगर इस वायर को मैं यहां से बीच में से ब्रेक कर दूं और ब्रेक करके थोड़ा आगे ले जाके जोड़ दूं, अगर मैं बीच में से ब्रेक करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू। ये एंड्स तो मेरे वही है जो पहले थे, एक्स वाई, नीचे सब कुछ वही है, तो इसी को मैंने ब्रेक कर दिया इक्वल पार्ट्स में यहां पर, तो आधा रेजिस्टेंस यहां चला गया, आधा यहां चला गया। इसी को हमने कल कहा है, इसी को हमने बताया है कि यहां पर जो ये दोनों रेजिस्टेंस ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए यहां पर। तो हमारे को जो बैटरी थी इसके पास तो पोटेंशियल वही था वी, तो यही पोटेंशियल अब यहां पर इस केस में जो टोटल वी अकेले आर को मिल रहा था वो यहां डिवाइड हो जाएगा, इसको मिल जाएगा वी बाई टू और इसको वी बाई टू मिल जाएगा, यहां पर आधा आधा पोटेंशियल। अब इस केस में हमको मालूम था कि ये रेजिस्टेंस आधा आधा है तो इसलिए आधा आधा चला गया यहां पर। और अगर यही रेजिस्टेंस अब अलग अलग लेंथ में डिवाइड हो जाए, अलग अलग लेंथ में डिवाइड हो जाए कि एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, तब लेंथ चेंज हो गई। हमें लेंथ का आइडिया अगर नहीं है, हमको रेजिस्टेंसेस का आइडिया है जिसको मैं आर वन आर टू कह सकता हूं, तो हम इसको कह देते हैं इस पे पोटेंशियल वी वन आ जाएगा, इस पे पोटेंशियल वी टू आ जाएगा, तो हम ये कह देते हैं। यहां पे मुझे पता था दोनों रेजिस्टेंस आधे आधे हैं तो ये पोटेंशियल आधा आधा हो जाता है, यानी बैटरी को आधा वर्क इसके साथ में करना है और आधा वर्क इसके साथ में करना है, कितना, इस चार्ज को यहां से फ्लो कराने के लिए। अब ये जब रेजिस्टेंस की लेंथ हमें नहीं पता है कितनी, हम खाली ये जानते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर वन इसका आर टू है, तो हम कह देते हैं कि इसका पोटेंशियल हो गया वी वन और इसका पोटेंशियल हो गया वी टू यहां पर। तो ये पोटेंशियल जो वी वन वी टू है ये कहां से मिल रहा है, इसी बैटरी से मिल रहा है, इस बैटरी से, तो ये V हमारा जो है डिवाइड हो जाता है इसी V1 और V2 में, जो कि रूट कॉज बनता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। जब ये टोटल R था तो हमारे को क्या मिला था, I इक्वल टू वी आर मिला था हमको, ठीक है। अब हमको क्या हुआ है कि ये करंट तो देखिए सेम फ्लो करेगी, अब हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस हमारा जो है ये और ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमने कहा है R1, इसको कह रहे हैं हम R2, तो जब इसको हम R1 R2 कह रहे हैं तो दोनों में तो करंट तो वही चलेगी, यहां पर दोनों में करंट सेम फ्लो करेगी I यहां पर, और ये इस पे पोटेंशियल आया V1, इस पे आया V2, तो V1 हमारा क्या हो जाएगा I R1, V2 क्या हो जाएगा IR2। तुमने केवल दो रेजिस्टेंस लेके आज इस बात को समझाया है कि किस तरह से पोटेंशियल यहां पर डिवाइड होता है इसके ऊपर। जो हमारी बैटरी है उसके पास में टोटल पोटेंशियल है V, वही पोटेंशियल यहां पर डिवाइड होता है V1 और V2 में। अब ये रेजिस्टेंस कई तरह से चेंज होता है, कभी लेंथ की वजह से, कभी थिकनेस की वजह से, कभी मटेरियल की वजह से, तो हमको उस वहां ना जाके खाली ये देखना होता है कि जिस किसी वजह से भी इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका है R2, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर V1 और इस पे V2, क्योंकि दोनों जगह से जब चार्ज को फ्लो कराना है
तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क जो हमारा है वो कौन करा रहा है, बैटरी करा रही है। तो अब फाइनल हमारे पास में इक्वेशन होंगे ये, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह से जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ये रेजिस्टेंस है आर वन, ये रेजिस्टेंस है आर टू, हम केवल दो रेजिस्टेंस लेके अभी बात कर रहे हैं। यहां पे एमीटर लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। करंट आई फ्लो करी, यहां तक देखिए करंट आई फ्लो करती है। अब यहां से आगे क्या है, इस करंट के पास में दो ऑप्शन है, इधर जाने की और इधर जाने की। तो हम यहां कह देते हैं करंट गई आई वन, और यहां कह देते हैं करंट गई आई टू। करंट याद रखिए चूजेस दैट पाथ वेयर इट हैज लेसर रेजिस्टेंस। जहां पर रेजिस्टेंस कम मिलेगा करंट वहां पे ज्यादा जाना चाहेगी, ठीक है। तो यहां अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां करंट कम जाएगी, यहां रेजिस्टेंस कम है तो यहां करंट ज्यादा जाएगी। तो हमने यहां पर यह बताया आपको कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वी है इस बैटरी के साथ में, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, इन दोनों को मिल जाता है। हम यहां पर बात करते हैं इन एंड्स के बेसिस पे, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां। तो अगर आप देखें तो इसको भी वही मिल रहा है और इसको भी वही मिल रहा है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। और करंट के डिवाइड होने का जो रीजन है वो ये है कि करंट को यहां दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और इन दो ऑप्शन में जहां पर उसको रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, जहां रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। अभी हमको नहीं पता दोनों में से किसका रेजिस्टेंस क्या है, तो हम आई को लिख सकते हैं यहां पर आई वन प्लस आई टू। तो ये बेसिक इक्वेशन हमारी जब हम पैरेलल सर्किट्स को हैंडल करते हैं कि करंट किस तरह से डिवाइड होती है। अगर यहां पे तीन रेजिस्टेंस होंगे तो ये हमारी आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हो जाएगी, जितने भी होंगे उसी तरह से ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। यस स्टूडेंट्स, अब हम क्या कहते हैं यहां पर ये देखेंगे कि जो आपके सर्किट से सीरीज पैरेलल आपने पढ़ लिए, मैं यहां पर अब देखिए आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे सर्किट के बारे में जिसको बोलते हैं मिक्स सर्किट। ये सीरीज पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन सर्किट है यहां पर। तो यहां क्या हो रहा है, देखिए दो रेजिस्टेंस यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तीन रेजिस्टेंस का ये कॉम्बिनेशन है। अब ये देखने में ना सीरीज लग रहा है पैरेलल लग रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं मिक्स सर्किट्स, मिक्स कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन सर्किट है हमारी ये। अब यहां देखिए आने के बाद में ये अगर आई करंट यहां से आई तो इसके पास में दो ऑप्शन है, इधर जाने के लिए और इधर जाने के लिए। तो यहां से जब करंट को आगे बढ़ना है तो इस पोर्शन में सेम करंट फ्लो करेगी। ये मान लीजिए 6 ओम के मैंने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं, तो ये करंट अगर यहां पर आई वन गई है और यहां पर करंट आई टू गई है, तो ये नीचे वाले 6 ओम में अकेले आई टू जाएगी और यहां इन दोनों में आई वन करंट फ्लो करेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन की यही पहचान होती है। सीरीज पैरेलल को हम लोग डिफर कैसे करते हैं ये समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जिस जंक्शन पर जाकर करंट अपने आप को डिवाइड कर लेती है तो वहां पर उसको हम लोग बोल देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये हमारा क्या है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर नीचे देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी करंट ने अपने आप को डिवाइड किया है, तो आई वन करंट यहां जाएगी, आई टू करंट यहां जाएगी, और ये करंट जब यहां से वापस निकलती है तो वापस आई वन कर निकलती है, आई वन प्लस आई टू। 6 ओम यहां पर देखिए फिर है, तो यहां आई वन गई आई टू गई, लेकिन इस वाले को पूरी आई करंट मिलेगी यहां पर। तो ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस। ये दो आप पहले से जानते हैं कि तीनों को एक सीध में लगा दिया, सब में आई करंट जाएगी। ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था हमारा प्योर पैरेलल, प्योर सीरीज और प्योर पैरेलल। तो यहां करंट गई थी आई वन, यहां करंट गई थी आई टू, और यहां करंट जाएगी आई थ्री, ठीक है।
अब इसको मैं अगर कह दूं केस नंबर वन, इसको कह दूं मैं केस नंबर टू, इसको कह दूं मैं थ्री, इसको मैं कह दूं फोर, तो इनमें जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, आइए देखते हैं। जो केस नंबर वन है हमारा, वो क्या रेजिस्टेंस हमको देने वाला है। ये दो रेजिस्टेंस यहां पर सीरीज में है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहां पर कितना आ जाएगा 12 ओम, ये कितना देगा 6 ओम। तो आइए इसको देखते हैं कि ये कितना रेजिस्टेंस देने वाला है। तो ये दोनों यहां पर पैरेलल हो गए, तो अगर इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 12 ओम, क्योंकि ये सीरीज में और ये इसके पैरेलल है। तो यहां पर अगर हम R का फॉर्मूला लगाए, पैरेलल फॉर्मूला लगाएंगे 1/6, ठीक है, और एलसीएम ने लिया 12, तो 1+2=3/12 डिवाइड हो गया 1/4, ये था 1/R, तो R becomes 4 ओम। R कितना हो गया 4 ओम हो गया यहां पर लिए। अब देखिए सेकंड केस में, सेकेंड केस में हमारे पास में यहां पर जो है दो रेजिस्टेंस पैरेलल दिखाए थे मैंने 6 ओम के आपको, ये वाले। तो अगर ये देखिए दोनों क्या हमारे पैरेलल हैं यहां पर, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस एज्यूम कर लूं पैरेलल का, किसको मैं कह दूं आर डैश, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/R-1/6, 1/6, 2/6, 1/3, तो 1/R- हो जाएगा 1/3, यानी R- कितना हो गया 3 ओम। आपको याद होगा अभी जो मैंने पहले रेजिस्टेंस निकाला था इस सर्किट में, तो ये सर्किट ने हमको कितना दिया था 4 ओम का रेजिस्टेंस दिया था। तो इसका मतलब जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करते हैं, सर्किट का जो इफेक्टिव या एक वर्ड मैंने यूज किया है इक्विवेलेंट, याद रखिए इसी इक्विवेलेंट को कभी कभी आप लोग टोटल रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो यानी इन तीनों को मैं अभी, इन दोनों का तो यहां पे 3 आ गया, अभी एक ही और बचा हुआ था, अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, इसकी दोनों की जगह मैंने लिख दिया 3 ओम और यहां पर 6 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3+6=9 ओम। फिर मैंने बनाए थे तीसरा केस, तीसरे केस में क्या था, तीनों सीरीज में थे 6, 6, 6, तो ये कितना हो जाएगा 6+6+6=18 ओम, और केस फोर में क्या था, सारे के सारे पैरेलल थे, तो 1/6, 1/6, 1/6, तो हमको कितना मिल गया 3/6, यानी 1/2, आर कितना आ गया 2 ओम यहां पर। तो देखिए हमको पहले केस में रेजिस्टेंस कितना मिला था 4 ओम, फिर हमको कितना मिला यहां पे इस वाले में कितना मिला 9 ओम, फिर कितना मिला 18 ओम, फिर कितना मिला 2 ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस को हम जिस तरह से सर्किट में कनेक्ट करते हैं उस तरह से रेजिस्टेंस हमको मिलते रहते हैं। इसके बाद में अभी और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे हम लोग आगे चलकर, पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीरीज पैरेलल के क्लियर हो जाने चाहिए। ओके।